बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई एम आमिर। आमिर एकेडमी की जानिब से आज एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ एक जो डिज़ाइन मैं शेयर करने वाला हूँ वो होगा शादी कार्ड का डिज़ाइन। तो शादी कार्ड का डिज़ाइन आप किस तरह से क्रिएट करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, किस तरह से इसकी मेजरमेंट लेते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कम्प्लीटली शेयर करने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर लें, और अगर चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये होता है इसका इनर, जो इस बॉक्स के अंदर वाली साइड पे होता है, ठीक है, ये वाला इनर होता है। इसकी हम मेजरमेंट करते हैं यहाँ से अप एंड डाउन, ये जो आपके पास बॉर्डर नज़र आ रहा है, बॉर्डर से नीचे तक और लेफ्ट टू राइट। अच्छा, ये मेजरमेंट आपकी हो गई। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाता है कि आपने यहाँ पर जो भी इसका डाटा लिखना है, डाटा क्रिएट करना है, बनाना है, उसको आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर बनाना है, कंप्यूटर में डिज़ाइन करना है। उसके बाद एक बटर पेपर होता है, उस पर प्रिंट निकलता है, फिर हम स्क्रीन बनाते हैं, उसके बाद इसकी प्रिंटिंग प्रॉपर स्टार्ट होती है, ठीक है। सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा और बताऊँगा। उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपने यहाँ से यहाँ तक इसकी मेजरमेंट को बिल्कुल क्लियरली आपने ओके कर लेना, ठीक है। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, अब लेफ्ट टू राइट इसकी क्लियर कर रहे हैं और अप एंड डाउन भी, और यहाँ पर इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन प्रिंटिंग भी कर स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहे हैं तो स्क्रीन प्रिंट के जरिए भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर के जरिए भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, ठीक। और ये इसका होगा आउटर और ये होगा इसका इनर। तो इन दोनों चीज़ों पर हम वर्क करेंगे। इन दोनों चीज़ों पे जो भी डाटा आपने सेव करना है, डाटा आपने लिखना है, वो सारी चीज़ें हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर बनाते हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और आज इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहाँ पर कोरल ड्रा का X3 वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास जो भी कोरल ड्रा होगा उसमें ये सेम ही स्टाइल होगा, सेम ही फंक्शन इस्तेमाल होंगे, ठीक है। सेम कीज़ को हम आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कोरल ड्रा को ओपन करता हूँ। तो ये जो डाटा था वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। एक कस्टमर का जो भी मैं चीज़ बना रहा हूँ, जो शादी कार्ड बना रहा हूँ, वो यहाँ पर आ चुका है, ओके हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं मेजरमेंट की जानिब, जो कि हमने पहले मेजरमेंट करनी थी, जो आपको इनर दिखाया था उसी इनर के मुताबिक ही हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, ठीक हो गया। तो इसका साइज़ क्या होगा, हम यहाँ से एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी जो लेंथ होगी वो हम 8 रखेंगे, 8 इंचेस 3.5, ठीक हो गया। ये होगी आपकी जो कि आपके मेजरमेंट होगी इनर की, यहाँ पर 3.5, ओके हो गया। अब इसकी एक और का क्लियर लेता हूँ मैं, और इसको मैं कर देता हूँ 3, और इन दोनों को शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, और ओनली अपने कीबोर्ड से देखेंगे सिर्फ और सिर्फ बी का बटन प्रेस करेंगे, ये बॉटम पर सिलेक्टेड हो जाएगी। तो मैं बी का बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें, ये आपका बॉर्डर आ गया, ये वाला बॉर्डर आ गया, और ये वाला जो एरिया था आपका इस तरह से कार्ड बन जाता है, जो आप लोगों ने देखा था एक कॉर्नर पर इस तरह से फूल बना हुआ था, फ्लावर था, ये आपका बॉर्डर आ जाता है। मैं यहाँ से सेमी कलर कर देता हूँ, ये देखें। अब ये जो हमारा वाइट एरिया है, इसके अंदर हम अपनी जो भी डाटा होगा, मैटर होगा, उसको हम यहाँ से पुटअप करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से हम इसको ग्रुप कर लेते हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट ना हिले। कंट्रोल जी को प्लस किया तो ये, कंट्रोल जी को मैंने प्रेस किया तो ये ग्रुप हो गया आपस में। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी दूल्हे का नेम है वो सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर सबसे ऊपर जो मेन लाइन होती है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो ये वाली लाइन ऑलरेडी हमने लिख के रखी हुई है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, बहुत से शादी कार्ड हैं जो कि मैंने यहाँ इस तरह से बनाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं, ये सारे कार्ड अगर कर रखे हैं। मेरे पास बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, ये वेडिंग आर्ट है, वेडिंग आर्ट भी आपको अगर चाहिए होगी तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अपना जी मेल एड्रेस लिखें, उसको लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन सा डाटा शादी कार्ड के हवाले से चाहिए होगा। आज उर्दू जो है, उर्दू के हवाले से हम बना रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इंग्लिश कार्ड पर भी बनाऊँगा कि इंग्लिश कार्ड किस तरह से उसकी सेटिंग सारी बनाते हैं। सबसे पहले हम
यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो राइट साइड होती है उस पर हम लगाएंगे शादी बदरी शादी खानाबादी। अब ये देखें, मैं कर्सर इसको अपने एरो की मदद से इसको अप एंड डाउन कर रहा हूँ, ये बहुत ही स्पीडली वर्क कर रहा है, इसकी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ब्लैंक पर क्लिक करें, ये देखें यहाँ पर 0.1 लिखा हुआ है, मैं 0.01 इसको कर दूँगा तो ये कर्सर स्लो हो जाएगी इस तरह से। ओके हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ यहाँ पर राइट साइड पर खानाबादी लगा सकते हैं और इस साइड पर सकते हैं। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। फ्री तो लगा देता हूँ, ये इधर भी लगा, यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक हो गया। और तकरीब शादी खानाबादी यहाँ पर आ गया और उसके बाद आ जाता है जी नेम, दूल्हे का नेम आ जाएगा यहाँ पर लगाएंगे जो मुस्तकम करने वाला है हमें शर्त इस तरह से इस तरह वादा के हम अपने प्यारे बेटे जो भी दूल्हे का नेम होगा आपने वो नेम लिखना है यहाँ पर हुसैन अहमद कर देते हैं। यहाँ पर दूल्हे का नेम है हम अपने प्यारे बेटे हुसैन अहमद को रिश्ता अजवाज में मुंसलिक कर रहे हैं। ठीक है, इनको मैं कंट्रोल करके क्लिक किया और यहाँ पर सिलेक्ट किया और सी का बटन प्रेस, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, इस तरह से हम अपने प्यारे बेटे इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पर इस तरह से। और ये फ्लावर मैं रिसेंटली जो यूज़ करता हूँ वो इस तरह से है और इसको मिरर कर देते हैं और अब इन दोनों को ग्रुप करके इस तरह से। ओके हो गया, अब ये चीज़ होगी। अब इसके नीचे सेम हमने ये चीज़ लगानी है, इस पर प्रोग्राम तशरीफ लाकर शादमाने के हसीन लम्हात को रक्षा मनाएं। अब इसके बाद आ जाते हैं चश्मे बराबर मतमनी शिरकत, ये आ गई मतमनी शिरकत और यहाँ पर आ गए चश्मे बराबर, यहाँ पर लगा देते हैं चश्मे बराबर, हम यहाँ पर लगाते हैं। और ये जो चीज़ होगी जो डेट वगैरह लिखते हैं प्रोग्राम तो वो हम यहाँ पर लगाएंगे। क्या हो गया, अब यहाँ पर नेम जो मैंने इंग्लिश में सॉरी इन पेज में लिखे थे तो यहाँ पर हम पेज लगा देते हैं, वो नेम सारे यहाँ पर आ जाएंगे। और ये मतमनी शिरकत हो गई, ये नेम है, ऑलरेडी मैंने डाटा लिखा हुआ ताकि वीडियो आपकी लंबी ना हो, तो यहाँ पर हम ये वाले नेम लगा देते हैं। चश्मे बरा के यहाँ पर नेम आ जाएंगे इस तरह से, ये वाला नेम यहाँ पर आ गए। ओके हो गया, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपने एडजस्ट करनी है ताकि खूबसूरत भी लगे और आप लोगों ने ये सारी कंप्लीट कर ली। इसके बाद आ जाते हैं जी, यहाँ पर हम नंबर लगाएंगे और रबता नंबर वगैरह लिखेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ से इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करता हूँ, हमने सिर्फ दावत वलीमा यहाँ पर लिखना है तो दावत वलीमा का प्रोग्राम जो होगा वो हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। यहाँ पर इतना ही हमें चाहिए होगा, इस डाटा को मैं डिलीट करता हूँ और ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। F4 की मदद से मैंने इसको पेज फुल पेज किया यहाँ पर ताकि आप लोगों को भी वाजे पता हो। इस तरह से और यहाँ पर हम सेंटर में बिल्कुल लगाते हैं प्रोग्राम वाला जो एरिया है, इस तरह से इसको मिरर कर देते हैं, इन दोनों को ग्रुप किया और सी प्रेस किया, ये सेंटर में आ गया बिल्कुल। यहाँ पर ये सेटिंग हमारी ओके है, इसको साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरह से और इसकी आउटलाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि ये इजीली समझ आए, या फिर आप इस लाइन को इस तरह से बाहर भी निकाल सकते हैं। ओके हो गया, और इस लाइन को भी हम यहाँ पर लेकर आते हैं इस तरह से। अब ये वाली जो हमारे पास डेट है 27 नवंबर रोज़ इतवार यहाँ पर तक आ चुका है जी इस तरह से। और दावत वलीमा इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ से एक अंडरलाइन इसको करना है हमें।
इस तरह से, और नीचे इसके डेट लगा देते हैं, सॉरी टाइम मैंने मेंशन कर दिया। तो ये हो गया आपका सारा कंप्लीट इस तरह से। ये आपका दावत वलीमा क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसको हम ग्रुप करते हैं और सी को प्रेस करते हुए सेंटर में आ गया। ये हो गया आपका दावत वलीमा, ओके हो गया। अब यहाँ पर आ जाएं, बामकाम लिखना है तो बामकाम के लिए आप ये वाली साइड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑलरेडी मैंने बना कर रखा हुआ ये, ये बामकाम आ गया। और इस तरह से आप फ़ोन नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं, 123 या कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं कि मैं अपनी जो प्रिंट लाइन लगाता हूँ वो भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैंने अपने हर कार्ड के ऊपर प्रिंट लाइन लगानी होती है। ये मैं प्रिंट लाइन लगाता हूँ, अपना नेम लिखा होता है और बाकी यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है, ताकि जो भी नेक्स्ट कार्ड होगा उस पर इस तरह से रख दिया जा सके। मैं यहाँ से इस तरह से प्रिंट लाइन लगा देता हूँ और ये कार्ड आपके पास इस तरह से रेडी हो जाता है। इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है जो कि आप लोगों को मुश्किल लगी हो, तो बहुत ही इजी है। अगर आपके बहुत ज़्यादा नेम है तो आप यहाँ से इसकी थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, यहाँ पर आप इसको यहाँ पर नेम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक लाइन में इस तरह नेम ऐड करते जाएंगे तो आप और भी बहुत सारे कार्ड, बहुत सारे नेम अपने यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन में दूसरी तीसरी चौथी और यहाँ पर सारे नेम लगा सकते हैं। और प्रिंट लाइन यहाँ पर ना भी लगाएं आप तो इसको क्लोज करके आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास बहुत सारी जगह बच जाती है। तो इस तरह से आपके पास आपके बाकी जो नेम है वो भी सारे ऐड होते जाएंगे। सो उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से शादी कार्ड बनाए जाते हैं, और इनमें कोई भी मुश्किल वर्क नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर आपके पास बहुत सारी डेट्स हैं, मतलब कि अगर आप लड़की का कार्ड बना रहे हैं तो उसके लिए आपको ये वाली चीज़ें यहाँ से डिलीट करनी पड़ेगी। ये वाला एरिया जो होगा ये आपको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आमद बारात, उसके बाद निकाह, फिर दावत तमाम और रुखसती, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगती हैं। रस्म हिना भी होगी तो उसके लिए और भी आपको जगह चाहिए होगी, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एक कार्ड पर जो कि लड़की के कार्ड का डिज़ाइन होगा वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक लिए दुआओं में याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।